और अब क्लास आज की स्टार्ट की जाती है यथावत रूप से। आइए तो भैया पहला प्रश्न उठाते हैं। टीजीटी के आए हुए क्वेश्चन हम कई दिनों से कर रहे हैं, लगातार आए हुए, आज भी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। जो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको लगातार रूप से आज जारी रखेंगे। और पहला प्रश्न इसी कड़ी में जो आज का है वो ये है, स्क्रीन पर लिख रहा हूँ मगर स्क्रीन आप लोग को भी दिख नहीं रही होगी क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी है। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बताइएगा दिखने लगे क्या। स्क्रीन शेयर हो रही होगी सूरज सर? जी सर, शेयर हो रही है। जी सर, जी सर, जी सर। सूरज सर थोड़ा ग्रुप के लोगों को आप बोल दीजिए, चेतावनी दे दीजिए कि जुड़ जाया करें तो हमने अच्छा लग जाया करें, है ना? बिल्कुल सर। इतने दिन भर कठिन मेहनत के बाद स्कूल का शेड्यूल हमारा बड़ा टाइट रहता है, आज तो संडे, फिर भी सर एडमिशन चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है, उसके बाद शाम को आओ तो ऊर्जा आप लोग के द्वारा ही मिलती है तो मज़ा आता है। बहरहाल मित्रों सभी को एक बार फिर से नमस्कार जुड़ने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी केंद्रीय विद्यालय संगठन नवोदय विद्यालय संगठन की ये स्पेशल क्लासेस। तो पहला सवाल है हमारा, यदि ए बी बराबर ए सी है, ये भैया मैट्रिक्स का क्वेश्चन है आया हुआ यूपी टीजीटी का, यदि ए बी बराबर ए सी है ऐसा होने पर बी बराबर सी सत्य होगा, बी इक्वल्स टू सी विल बी ट्रू whenever एट जॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, ओके डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, और ये ऑप्शन नंबर ए है, ये बी है, ओके सी डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड डी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलिए ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। हाँ सर बताइए, कुछ बोलना सर, बताए बताइए सर, बिल्कुल बताइए। इसका सर सी ऑप्शन, डिटर्मिनेंट ऑफ और डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। बिल्कुल सही, बताइए लॉजिक दे सकते हैं सर कैसे? जी सर, हमारे पास गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, तो हम दोनों तरफ से ए, दोनों तरफ मतलब बोथ साइड्स में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ बहुत, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर दोनों बन जाएगा आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी आई बी इज इक्वल टू आई सी, और आई का जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स फिर से वापस आ जाती है, तो बी इक्वल टू सी हो जाएगा। और अब यहाँ पर इसके लिए हमें एक चीज ये है कि अगर हमने इससे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर ए इनवर्स को एग्जिस्ट करना होगा, तो ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर डिटरमिनेंट ऑफ जब ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तभी ये ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया आपने, फुल एकदम जैसा बच्चे को समझाना चाहिए वैसा एक्सप्लेनेशन दिया। देखिए मित्रों उन्होंने कहा कि ए बी बराबर ए सी, सबसे पहली चीज़ याद रखिए कि कभी भी ए बी बराबर ए सी है तो इसको ए को ए से काट मत दीजिए, ये रियल नंबर नहीं चल रहा है, ये मैट्रिक्स है। तो ए बी बराबर ए सी में ए को ए से काट मत दीजिएगा, है ना? क्या करना पड़ेगा आपको? प्री मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मैट्रिक्स में दो प्रकार के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि जो मैट्रिक्स होता है वो इसको कौन सा गुण, सहचर्य नियम बोलते हैं हिंदी में शायद, हाँ, ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए बी इंटू सी को संतुष्ट करता है, है ना? तो भैया इसलिए प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा आई, और यहाँ ए इनवर्स इंटू ए बराबर हो जाएगा ए आई, आई बी इक्वल टू आई सी, और आई जो होता है बी मल्टीप्लाई करेंगे आई बी का तो बी ही आएगा, यहाँ सी ही आएगा। और ऐसा होने के लिए ए इनवर्स को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और इसके एग्जिस्टेंस के लिए डिटर्मिनेंट ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका सही जवाब था डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो हो जाता तो मैट्रिक्स ए कहलाता सिंगुलर, और डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, नॉन सिंगुलर। इसे आप लिख लें, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो हो जाता तो सिंगुलर हो जाता, और डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो इक्वल टू नॉन सिंगुलर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मित्रों समझ में आ गया ये सवाल, एक बार बोल दीजिए यस, क्लियर है सभी को? क्लियर है, कोई भी बोल दे भाई। ओके चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, अब सारणी का क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है यदि
डिटरमिनेंट वन प्लस ए बी सी ए वन प्लस बी सी ए बी वन प्लस सी का मान ज्ञात करना है और कंडीशन दी गई है ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर एन है तो आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। चलिए ये कंडीशन दी गई है और इसका मान क्या होगा। मित्रों मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आए, मैं तो कहूँगा पूरे पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए, पहले विचार कीजिए कि इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या लगेगी। स्पेशली कुछ तो चैप्टर ऐसे हैं जिनमें शॉर्ट ट्रिक बहुत ब्रांडेड तरीके से लगती है, जैसे सर डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन, एक मिनट सर, और जैसे आपका एपी वाला क्वेश्चन, एपी जीपी यानी कि सीक्वेंस वाला क्वेश्चन, इनमें शॉर्ट ट्रिक बहुत ही हद तक लगा करती है, ठीक है ना। और आपका लाइन, स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन, जैसे कल सूरज सर ने बताई थी स्ट्रेट लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पुट करके वैसे इमेज वगैरह निकाल सकते थे, तो कल देखा था हम लोगों ने। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ सर अब आप बोलिए। सर इस क्वेश्चन के ऑप्शन देंगे क्या? बिल्कुल सर, ऑप्शन है, ऑप्शन है ए इक्वल टू एन, बी इक्वल टू एन प्लस वन, सी इक्वल टू एन माइनस वन और डी इक्वल टू जीरो। चलिए ये चार ऑप्शन यहाँ पर एन, हाँ। यहाँ पर हमें अच्छा इसकी वैल्यू जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है जी सर, एन के पदों में निकालनी डिटरमिनेंट की वैल्यू, एन के पदों में निकालनी है जी। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्वेश्चन जो है शॉर्ट ट्रिक सी होगा क्या, एन माइनस वन, एन माइनस वन। चलिए निकालते हैं इसका आंसर। तो मैंने आपको बताया अभी कि कोई भी क्वेश्चन आपके पास डिटरमिनेंट का आता है तो उसकी तरफ शॉर्ट ट्रिक की तरफ जाइए। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर एन है, आप अगर एन इक्वल टू थ्री सपोज कर लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया थ्री, तो यहाँ पर ए की वैल्यू भी हो गई वन, बी की वैल्यू भी हो गई वन और सी की वैल्यू भी हो गई वन। इस तरीके से हमारा जो डिटरमिनेंट हो गया वन प्लस वन यानी टू वन वन, ओके वन टू वन, ओके एंड कितना हो गया ये वन वन और कितना टू। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो टू मल्टीप्लाई टू टू जब फोर, माइनस वन यानी कि थ्री और प्लस का वन नहीं आएगा, ओहो